नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और अपने स्मार्टफोन के साथ अब आप स्मार्ट जिंदगी जी सकते हैं, कैशलेस हो सकते हैं। ये तरीका बेहद आसान है और नोटबंदी के दौरान बेहद जरूरी भी। आपको सिर्फ अपने फोन में मोबाइल वॉलेट डाउनलोड करने हैं, फिर आप बेहद आसानी से अपने सभी पेमेंट इस मोबाइल वॉलेट के जरिए कर सकते हैं। यानी आपको चाय की चुस्की लेनी है, सब्जी खरीदना है, ऐसे तमाम कामों के लिए खुले पैसों की कोई टेंशन नहीं होगी। बस एक बटन से आप अपने पैसों को दुकानदार के मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। तो इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप कैशलेस हो सकते हैं, कैसे आप कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। ये एक कॉलर शो है, आप अपने शंकाओं को, अपने सवालों को हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। हम आपको नंबर दिखा रहे हैं 1800 1803545, इस पर कॉल करिए। व्हाट्सएप के नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज ही भेजें और फेसबुक पर भी हम लाइव होंगे, वहां भी आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं और ट्विटर हैंडल पर भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ेंगे, हम उनसे आपके सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम करने में, या आप अगर इस बारे में कुछ और जानना चाहें तो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। आपके मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खर्च करने की जितनी टेक्नोलॉजी हो सब मौजूद होगी। कैश से कैशलेस तक का सफर आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का भी मानना है कि आप हम सब मिलकर इस राह पर चलें तो आसानी से मंजिल को पा सकते हैं। इस मंजिल को पाने के लिए आपको अपने फोन को ही बनाना होगा अपना वॉलेट। तो आज ही इसे डाउनलोड करें और अपनी जिंदगी आसान बनाएं। भारत में पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, ऑक्सीजन, एम पैसा जैसे मोबाइल वॉलेट सबसे ज्यादा चर्चित हैं। लगभग सभी प्रकार के वॉलेट के डेस्कटॉप वर्जन और मोबाइल ऐप मौजूद हैं। मोबाइल पर आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको इस पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अगर आप पेटीएम में पैसा जोड़ना चाहते हैं तो ओटीपी से ऐप को एक्टिवेट करने के बाद एड मनी पर जाएं। यहां आप अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए पेटीएम खाते में पैसा जोड़ सकते हैं। पेटीएम में पेमेंट करने के कई तरीके उपलब्ध हैं। जिन मर्चेंट के पास QR कोड है, आप पेटीएम ऐप से उनके कोड को स्कैन करेंगे। कोड स्कैन करने के बाद मर्चेंट का नाम सामने आएगा। अब आपको अमाउंट भरकर पे पर क्लिक करना होगा और पेमेंट हो जाएगी। दूसरा तरीका है मोबाइल फोन नंबर के जरिए पेमेंट करने का। इसके लिए जरूरी है पेमेंट लेने वाले व्यक्ति ने पेटीएम इंस्टॉल किया हो। इस तरीके से पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट मिलने वाले का मोबाइल नंबर और रकम डालनी होगी। सेंड बटन पर क्लिक करते हैं, उसे पैसे मिल जाएंगे। आप पेमेंट वाली जगह पर अपने पेटीएम ऐप का कोड मर्चेंट को शो करें, वह इसे स्कैन करेगा और पेमेंट हो जाएगी। नोटबंदी के बाद ये सभी मोबाइल वॉलेट काफी चर्चा में हैं। पेटीएम पर रोजाना के करीब 70 लाख ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और इसकी वैल्यू करीब 120 से 150 करोड़ रुपए के बीच है। वहीं 4 करोड़ यूजर्स मोबीक्विक से पेमेंट दे या ले रहे हैं। वहीं पेवर्ल्ड नाम की कंपनी के 10 करोड़ यूजर्स हैं और 1 लाख जगहों पर पेवर्ल्ड से ट्रांजैक्शन होता है। 630 शहरों के साथ साथ 80,000 गाँव में भी पेवर्ल्ड की पहुँच है। यानी आपका मोबाइल आपका वॉलेट है, ये एक डिजिटल पर्स है जिसके जरिए आप पैसे का लेन देन बेहद आसानी से कर सकते हैं। तो मोबाइल वॉलेट में पैसे डालिए और उसके बाद कहीं पर भी कुछ भी खरीदिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पेमेंट कैशलेस करो और कैसे करो ये भी हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ गोविंद राजन हैं, CEO हैं आप फ्रीचार्ज के, और मेरे साथ इस वक्त अभिषेक भटनागर हैं, टेक एक्सपर्ट हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। ये कॉलर शो है, कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कि हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े, मिस्टर राजन मैं आपके पास आऊंगा। मिस्टर राजन, वैसे तो ये बहुत अच्छा दौर है आप मोबाइल वॉलेट कंपनीज के लिए और आप भी उनमें से एक हैं, लेकिन जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे इजी वे में वो कैशलेस सोसाइटी या डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। आजकल सारे ग्राहकों के पास और सारे कस्टमरों के पास स्मार्टफोन है। अगर किसी के पास स्मार्टफोन हो तो जाहिर है कि स्मार्टफोन पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं। आप ऐप स्टोर पे जाइए और एक क्लिक में आप फ्रीचार्ज ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आप फ्रीचार्ज ऐप आपने डाउनलोड कर लिया तो फ्रीचार्ज ऐप में आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं उसे, और उससे अगर आप उसमें पैसे डालें फ्रीचार्ज अकाउंट पे, तो उससे आप बहुत सारे मर्चेंट पे, बहुत सारे दुकानदारों पे
एक एक लाख से भी आधी ज्यादा दुकानदारों पे आप एक क्लिक में पैसा डाल सकते, पैसा भिजवा सकते हैं। कैश की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने फ्री चार्ज इस्तेमाल किया तो फिर मान लो कि आपने कैश दिया है, बस सीधी सी बात है, आपने बहुत सारे ऐप डाउनलोड करे होंगे, आपने गूगल ऐप डाउनलोड किया होगा, आपने मैप्स डाउनलोड किया होगा, वैसे ही आपको एक और ऐप डाउनलोड करना है और उस पर बस अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक अकाउंट आप अगर लिंक कर दें तो सारे जो मर्चेंट हैं, सारे जो दुकानदार हैं, सारी जी वेबसाइट है, सारे वेबसाइटों पे आप ठीक है चार्ज से एक क्लिक में पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ अभिषेक, लेकिन आप भी लगातार लोगों के पास जा रहे हैं और जैसा कि आपने बताया आज पूरा दिन आपने लोगों को यही बताने में बिताया कि कैसे कैशलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़े, तो हमारे व्यूअर्स को भी बताइए कि कितना आसान है ये और कैसे वो ये कर सकते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप कोई भी वॉलेट ले लीजिए, किसी भी तरह का वॉलेट, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो फ्री चार्ज हो या और कोई वॉलेट जैसे कि मोबीक्विक अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सीधा आपको अपने फ़ोन के, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अगर आपके पास आईफोन है तो आप आईफोन के ऐप स्टोर पर जाइए और वहां जाके उस एप्लीकेशन का नाम लिख दीजिए। तो अगर आपने मान लीजिए पेटीएम लिख दिया तो पेटीएम आपके फोन पे इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले आपको अपना नंबर डालना होगा, वो मोबाइल फोन नंबर जिस नंबर का सिम कार्ड आपके फोन में डाला हुआ है वो नंबर आप उसमें डाल के उसको वेरीफाई कर लीजिए और वेरीफाई करने के बाद फौरन वो नंबर आपके पेटीएम अकाउंट के साथ या फ्रीचार्ज अकाउंट के साथ या फिर मोबीक्विक अकाउंट के साथ एसोसिएट हो जाएगा और उसके बाद उस नंबर पे किसी भी और एप्लीकेशन से जो कि वॉलेट है उस नंबर पे पैसे भेजे जा सकते हैं। ठीक है अभिषेक, आपके पास अगर आप इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लाइव डेमो दे सकें कि कैसे ये करना, कैसे ये कर सकते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि कैसे वो करें, ये जो आपने बताया ये करके दिखाइए प्लीज़। जी तो देखिए जैसे यहाँ पे ये पेटीएम की एप्लीकेशन है जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको, और इस पेटीएम की एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्रोफाइल करके एक है ऑप्शन। जब भी आप पेटीएम की एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो सबसे पहले ये आपका नंबर मांगेगा और उस नंबर पे आपका पेटीएम वॉलेट जो है असाइन हो जाएगा और इस नंबर के अंदर आपके पास जो बैलेंस है वो 20,000 रुपये तक का बैलेंस है, यानी कि 20,000 रुपये तक अगर आप कहीं से इसमें रिसीव करते हैं या किसी को भेजते हैं उस चीज़ के लिए आपको कोई भी KYC करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको अपना पैन कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे चिंतित हैं कि पैन कार्ड इसमें डालने की ज़रूरत है, तो 20,000 रुपये तक की लिमिट जो है वो फ्री लिमिट है और उसके अंदर अगर आप 20,000 के अंदर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, 20,000 रुपये किसी को भेजते हैं या किसी से मंगवाते हैं तो यहाँ पर कोई पैन कार्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नंबर एक बार आप डाल देंगे उसके बाद आपका बैलेंस लिखा आ जाएगा और आप यहां देख सकते हैं कि 20,000 में से तकरीबन 7,000 की लिमिट मेरे फोन की जो है यहां पे पेटीएम अकाउंट की रीच हो गई है, यानी कि 7,000 रुपए मैंने खर्च कर दिए हैं और ये ऐसा हुआ है कि इसमें मैंने डेबिट कार्ड अपना ऐड कर दिया है, तो डेबिट कार्ड ऐड करने के बाद बैंक अकाउंट से अपने आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं आप पेटीएम वॉलेट का इस एप्लीकेशन को यूज करके। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आपका नंबर और साथ साथ इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी इंटरफेस में आपको ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड ऐड करने का, वो डेबिट कार्ड आपको ऐड कर देना और उसको ऐड करने के बाद आपका बैलेंस आ जाएगा और उसके बाद आप सीधा पेटीएम से कहीं भी पेमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अपने ई वॉलेट से, चाहे वो फ्री चार्ज हो, मोबीक्विक हो या पेटीएम हो, आप कैसे एक इजीली डिजिटल पेमेंट सिस्टम की तरफ मूव कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए फिर आपको ATMs की लंबी लंबी कतारों में कैश निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेकिन अभिषेक, मैं आपसे कुछ और भी जानना चाहूँगा, जिनके पास स्मार्टफोन ना हो, UPI ऐप या USSD जो बिना इंटरनेट नकद का लेन देन होता है वो कैसे होता है? तो बेसिकली उस तरह की एप्लीकेशन में आपको एज सच अपने बैंक से बात करने की ज़रूरत है, जैसे कि अगर आपके पास कोई ATM पे आपको किसी बैंक में अकाउंट है और आप UPI की एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में एक बैंक का एक कोड होता है, उस कोड को अगर आप यूज़ करेंगे तो उस कोड के थ्रू आप अपने बैंक के अकाउंट से लिंक कर सकते हैं और अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे पैसे भेज सकते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर चाहिए जिसको आपने पैसे भेजने हैं और आप सीधा जो पैसे हैं SMS के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, तो जरूर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर आप कैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए और कैसे आप ई वॉलेट के जरिए आप अपने डिजिटल पेमेंट को डिजिटली आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको फिजिकल कैश की जरूरत नहीं होगी। गोविंद साहब, आपके पास आऊंगा। गोविंद साहब, जरा हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, जो लोग सोचते हैं कि क्या हमारा पैसा सेफ है यहाँ पर ई वॉलेट में या मोबाइल वॉलेट में डालने से और क्या हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों के कुछ जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर कीजिए। ई वॉलेट बिल्कुल सेफ है। ई वॉलेट जो है, मोबीक्विक, पेटीएम का जिक्र किया जो हमारे कॉम्पिटिटर है, और फ्रीचार्ज, सारे RBI या बैंक सपोर्टेड वॉलेट्स हैं। सारा जो ट्रांजैक्शन होता है ये
आरबीआई मैंडेटेड सिस्टम से होता है। सारा जो पैसा कस्टमर का पैसा यहाँ पे होता है उस कस्टमर को हम बैंक में जमा करते हैं, हमारे अकाउंट में नहीं रखते। सो सारा और फ्री चार्ज में जब एक ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन में हम 500 से ज़्यादा चेक करते हैं ये देखने के लिए कि शायद इसमें कोई फ्रॉड या रिस्की ट्रांजैक्शन की गुंजाइश ना हो। तो बिल्कुल मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर आप कैश के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो कैश के साथ जो मुश्किलात हैं आपके, कैश के साथ जो आपकी परेशानी होती है सिक्योरिटी की, वो सब आपके आपको वॉलेट्स पे नहीं होती। और ये दुनिया के हर कंट्री जहाँ पे वॉलेट्स है वहाँ पे ये हम देख चुके हैं कि वॉलेट ट्रांजैक्शंस नॉर्मल कैश ट्रांजैक्शन से सेफ है हर समय हर वक्त। दूसरी बात ये होती है कि जब आप वॉलेट पे पैसा डालते हैं तो आप अपने बैंक से डालते हैं, तो बैंक करता है उसके बाद ही पैसा वॉलेट पे आता है। तो किसी भी प्रकार का जो आप किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लीजिए, वॉलेट सबसे सेफ और ट्रांजैक्शन करने के लिए सबसे इजी तरीका है। ठीक है सर, आप एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अभिषेक जी ने कहा था कि आप वॉलेट से किसी मर्चेंट को पे कर सकते हैं अपने अपने ऐप से, फ्रीचार्ज ऐप से आप किसी मर्चेंट या किसी और के बैंक अकाउंट में भी पैसा भेज सकते हैं, पर सिर्फ फ्रीचार्ज ऐप से नहीं। अगर आप जुगनू पे हैं या अगर आप स्विगी जैसे ऐप पे हैं या फूड पांडा या बुक माई शो ऐप पे हैं, वहां पे भी आप एक ही क्लिक में फ्रीचार्ज ऐप के साथ अपने वॉलेट से। सर मेरे साथ एक व्यूअर है कमलेश नोएडा से, उनका सवाल ले लेते हैं, आप रहिए सर मेरे साथ। कमलेश पूछिए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं मोबाइल का इस्तेमाल करता हूँ पेमेंट करने के लिए तो मेरे ये कितना सेफ मोड है, ये मतलब कि अगर पेमेंट करूँ मैं कुछ भी करूँ उससे ट्रांजेक्शन करूँ तो चूंकि खतरा रहता है कि आपके पासवर्ड वगैरह हैक हो जाए कुछ भी हो जाए, तो वहाँ मुझे कैसे सेफ रखना पड़ेगा, किस तरह तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं सेफ तरीके से अपना। चलिए अच्छा सवाल है और थोड़ा बहुत सवाल इसी से मिलता जुलता मैंने अभी पूछा भी था गोविंद जी से, लेकिन फिर से आपके सवाल का जवाब लेते हैं। और अभिषेक भी इस बार मैं आपके पास आऊंगा, वाकई इनका सवाल जेन्युइन है कि पासवर्ड वगैरह कैसे सेफ रखें, क्या तैयारी करनी चाहिए ताकि और सेफ रहे, पैसा भी सेफ रहे और तमाम जानकारियां भी सेफ रहे। जी तो यहां पे सबसे जरूरी यह है क्योंकि पेटीएम की एप्लीकेशन या फ्रीचार्ज की एप्लीकेशन, इन दोनों ही एप्लीकेशन में पासवर्ड नहीं होता है। एक बार आपने अपना फोन नंबर वेरीफाई कर लिया, इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद अगर आपके फोन का पासवर्ड किसी को है तो वो जाके आपकी इन एप्लीकेशन को फोन पे खोल सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो ये रहेगा कि आप इन एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड लगा दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और इसको यूज कर सकता है तो ऐसे में इसको यूज करना बहुत आसान है, लेकिन अगर एप्लीकेशन खोल के आपके बैलेंस के अंदर जाके कोई भी डेबिट कार्ड या फिर आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई ट्रांजेक्शन करता है तो उसमें सिक्योरिटी कोड जाता है, उसमें ओटीपी जाता है, तो उसमें एक एसएमएस आपको आता है नंबर के साथ। वो नंबर जब तक उसमें नहीं डाला जा सकता तब तक वो ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट नहीं होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आपके फोन से ये ट्रांजैक्शन कर सकता है, उस फोन के अंदर जो पूरा सिस्टम है वो ओटीपी से लिंक्ड है और ओटीपी नंबर जब तक वो नहीं डालेंगे तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं होती है। ठीक है, मेरे साथ एक दर्शक है राकेश सेठी पंजाब से। सेठी साहब पूछिए अपना सवाल। गौरव जी मेरा क्वेश्चन ये था, जब ई वैलेट में एक लेवल तक पेमेंट अरेंज हो जाती है उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है, क्या उसके लिए मुझे चार्जेस देने पड़ेंगे? गोविंद जी आप देना चाहेंगे सवाल का जवाब? हाँ मैं ये सवाल का जवाब दूंगा, बट इसके पहले पिछले सवाल पे भी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। ऐसा है कि हमारे सारे जो ऐप हैं ई वॉलेट ऐप्स हैं उनमें अगर बहुत टाइम हो जाता है और टाइम के बाद आपने ऐप को एक्सेस नहीं किया तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने लगता है गोविंद जी आपके साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आप देना चाहेंगे इनके सवाल का जवाब? तो यहाँ पे सिंपल सिस्टम ये है कि अगर आप अपने बैंक में कुछ भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, और जहां तक पैसे को ट्रांसफर करने वाली बात है वहां पे ये है कि अगर आपने केवाईसी किया है, केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर, जो कि आरबीआई की तरफ से एक रूल है जो आप अपने वॉलेट के साथ कर सकते हैं अगर आप 20,000 से ऊपर की लिमिट उसमें रखना चाहते हैं, यानी कि 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। तो इस केस में अगर आपने अपने अकाउंट से केवाईसी नहीं किया है उस पेटीएम वॉलेट से या फिर फ्रीचार्ज के वॉलेट से, उस केस में 1% चार्ज आपका लगेगा अगर आप बैंक में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आपने केवाईसी कर लिया है तो फिलहाल कोई भी उसका चार्ज नहीं है, आपको एग्जैक्टली उतने ही पैसे मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे आप अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर। एक दर्शक है वो जगबीर सिंह मलिक फेसबुक लाइव पर, वो उस वक्त हमारा शो देख रहे हैं और उन्होंने एक सवाल पूछा है कि उस वक्त क्या जब रिसीवर और डिफरेंट दोनों का वॉलेट अलग अलग हो, सेम ना हो, तो कैसे होगा?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सारे ही वॉलेट जो है मोबाइल नंबर, मोबाइल फोन नंबर से लिंक्ड है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक मोबाइल फोन नंबर है जो आपका है, जिसमें आपका आईडी दिया हुआ है, तो मान लीजिए कि किसी ने पेटीएम से आपको उस मोबाइल फोन नंबर पे पैसे भेजे, तो जैसे ही आप पेटीएम इंस्टॉल करेंगे वैसे ही आपको वो पैसे जो है अपने अकाउंट में दिख जाएंगे उस मोबाइल फोन नंबर को वेरीफाई करने के बाद। चाहे उन्होंने पेटीएम से भेजा है और आपके पास पेटीएम की एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस मोबाइल फोन नंबर से अगर आपने पेटीएम से पैसे भेजे हैं तो वो पेटीएम में ही रहेंगे, लेकिन उस नंबर पर वो अपने आप ही आप उसे रिडीम कर सकते हैं, चाहे आपने पेटीएम की एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल नहीं की है। और एक दर्शक और हमारे साथ हैं, सौम्या रंजन। सौम्या जी कहां से बोल रहे हैं आप? काकड़पुर बोल रहा हूं। जी बताइए क्या सवाल है? कैसे लगा केमती माने अप्लाई कर परे? सौम्या जी आपकी सवाल, आपकी सवाल समझ में नहीं आ रहा, फिर से पूछिए। कैसे लगा अप्लाई केमती कर परबो? आपको समझा रहा क्या बोल रहे हैं? कैशलेस अप्लाई कैशलेस के बाद में। चलिए ठीक है सौम्या जी, आपका सवाल शायद किसी और भाषा में हमें समझ नहीं आ रहा, आप अगर हिंदी और अंग्रेजी में अपना सवाल पूछ सकें प्लीज। ओके सर। लगता है सौम्या जी तक हमारी, सौम्या जी हमारी भाषा में सवाल नहीं पूछ पा रहे, लेकिन आप फेसबुक पे अपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम आपको लगातार नंबर बता रहे हैं, कॉल कर सकते हैं आप हमें, टोल फ्री नंबर हमारा है 1800-1803545, इस पर कॉल करिए। फेसबुक पर लाइव है हम, जी बिजनेस ऑनलाइन के नाम से हमारा पेज है, उस पर आप अपने कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको नंबर लगातार दिखा रहे हैं व्हाट्सएप करने के लिए, और ट्वीट कर सकते हैं जी बिजनेस के ट्विटर हैंडल पर। तो लगातार हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अभिषेक एक सवाल और भी आता है, जैसे इंटरनेट की बात हम करते हैं तो इंटरनेट यूजर्स करीब करीब 40 करोड़ है इस वक्त हमारे देश में, लेकिन आबादी तो 100 करोड़ से ज़्यादा की है। ठीक है मैं आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन एक दर्शक हैं जयपुर से देवेंद्र, उनसे पूछते हैं पहले। देवेंद्र पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों के पास में अभी तक ये मतलब मोबाइल पहुंचे नहीं है, मतलब एंड्रॉइड फोन नहीं है, या तो फिर वो लोग कैसे पेमेंट कर पाएंगे? चलिए कहीं ना कहीं मेरे से मिलता जुलता सवाल राकेश। अभिषेक जी, तो यहाँ पे स्मार्टफोन होना जरूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशंस आप स्मार्टफोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इनका पूरा इंटरफेस, किस तरह से पैसे आते हैं, किस तरह से पैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आप स्मार्टफोन के ऊपर ही समझ सकते हैं। तो फिलहाल मेरे हिसाब से तो अगर आप इन वॉलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एक स्मार्टफोन होना ज़रूरी है, और वो एक तरह से लिमिटेशन है, क्योंकि सब लोगों के पास स्मार्टफोन अभी नहीं है। तो सब लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंटरनेट वाला फोन तो होना जरूरी है। गोविंद राजन साहब, इस बारे में आप लोगों ने सोचा है कुछ कि जहां पर इंटरनेट का पेनिट्रेशन नहीं है वहां तक ये वॉलेट कैसे पहुंचेंगे? कोई सिस्टम इस बारे में डेवलप कर रहे हैं क्या आप लोग? सरकार अभी USSD चैनल जो है उसमें सरकार काम कर रही है। और मेरा दूसरा एक सोच है कि आजकल ये जो स्मार्टफोन है ये 5,000 रुपए और उससे कम में बहुत अच्छे क्वालिटी स्मार्टफोन आजकल मिलने लगे हैं। तो मेरा यह मानना है कि आज के जमाने में हर एक के पास स्मार्टफोन है या उनका अगला फोन स्मार्टफोन होने वाला है। सो फ्यूचर है स्मार्टफोन, और मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि जो भी इंटरनेट को अपनाएगा वो डिजिटल पेमेंट करने में कोई उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आजकल इंटरनेट सब स्मार्टफोन के जरिए अपना रहे हैं, और डिजिटल पेमेंट भी स्मार्टफोन के जरिए ही होगा, क्योंकि वो फीचर फोन में जो आपका USSD और बाकी जो सब चैनल्स हैं वो आसान नहीं है यूज करने के लिए। कस्टमर एजुकेशन में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत एरर प्रोन है। तो मेरे हिसाब से स्मार्टफोन ही डिजिटल पेमेंट के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है दर्शकों की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसी भी ई वॉलेट पर या कार्ड स्वाइप करने पर कहीं भी कोई टैक्स या कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन जैसा कि अभी जानकारी आ रही है कि 4% था अपने वॉलेट से बैंक में पैसा ट्रांसफर करने का, वो 1% उस पर अभी भी चार्ज लगता है, तो वो कैसा चार्ज लगता है ये लोग जानना चाहते हैं। फ्री चार्ज पे जब आप अपने पैसे अपने अकाउंट से बैंक पे ट्रांसफर करते हो तो फ्री चार्ज पे हम चार्ज नहीं लगाते, पर चार्ज इस कारण लगता है क्योंकि जिस माध्यम से पैसा आपके अकाउंट से बैंक तक पहुंचता है, जो IMPS है, जो NPCH नाम की कंपनी है जो गवर्नमेंट सरकारी कंपनी चलाती है, हर ट्रांजैक्शन के लिए उस पे कोई चार्ज होता है। इसीलिए शायद जो भी वो NPCI के माध्यम या जो भी वो IMPS माध्यम से पैसा भेजते हैं अपने अकाउंट से तो उस पे कोई चार्ज लगता होगा क्योंकि अंडरलाइन कोई चार्ज है। मेरे हिसाब से वो जो चार्ज NPCI या IMPS में है वो चार्ज बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट ट्रांसफर में भी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ डिजिटल ट्रांसफर में, फोन डिजिटल वॉलेट से बैंक अकाउंट ट्रांसफर पे है। ठीक है, जब आप
जब आप किसी बैंक अपने बैंक अकाउंट से किसी और बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करते हो तब भी आप एक चार्ज देते हो। ठीक है, एक दर्शक है फेसबुक से, उन्होंने अपना सवाल पूछा है, वो कह रहे हैं कि मैंने बैंक एक पैसा ट्रांसफर किया था बैंक में वाया पेटीएम, लेकिन 3 दिन से वो पेंडिंग ही शो कर रहा है अभिषेक, वो क्या करें? तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा, कुछ लोगों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हुई है। अब ऐसे में अगर आपने अपना बैंक अकाउंट ठीक से नहीं लिंक किया है या कहीं वो ट्रांजेक्शन होने से रह गई है उसकी वजह से, तो ऐसा हो सकता है। नॉर्मली ऐसे में मेरे हिसाब से आपको कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और आई थिंक इसका बेहतर जवाब तो पेटीएम खुद ही दे सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर केयर पर कॉल कीजिए और प्लीज उनके एग्जीक्यूटिव से पूछिए कि मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है, आप हमारी इस दिक्कत का सोल्यूशन दीजिए, और मुझे लगता है कि उनको देना भी चाहिए इस बारे में। लेकिन एक दर्शक है उड़ीसा से, औरिंदम, औरिंदम जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल था, अगर चार्जेस लगता है, कितना चार्जेस लगता है वो बता सकते हैं? किस चीज पर चार्ज लगता है, चार्ज पूछ रहे हैं आप? अगर कहाँ, मतलब कहीं पर खरीदने में या ट्रांसफर करने में कितना चार्जेस लगता है? अच्छा, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। तो कहीं कुछ चीज खरीदे या कहीं कोई पेमेंट करें अभिषेक, तो कितना चार्ज देना पड़ेगा एक कस्टमर को? तो फिलहाल अगर आप कहीं भी कुछ भी खरीदते हैं तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। मान लीजिए आपने 10 रुपए की चीज खरीदी तो आपके पेटीएम वॉलेट से या फिर फ्री चार्ज के वॉलेट से या जो भी वॉलेट आपके पास है उतने ही पैसे कटेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। और आप अगर 10 रुपए के खरीद रहे हैं तो 10 रुपए ही कटेंगे, उससे 1 रुपया कम और 1 रुपया ज्यादा नहीं कटेगा। ठीक है, एक सवाल आया है मेरे साथ यूएसएस, मेरे पास यूएसएसडी से जुड़ा हुआ। गोविंद राजन साहब ये कह रहे हैं कि यूएसएसडी से करके हम किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं क्या? सवाल पूछ रहे हैं राहुल रॉय फेसबुक पर। तो फ्री चार्ज में तो ये फैसिलिटी नहीं है और बहुत सारे ऐप में भी फैसिलिटी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि किसी और ऐप में ये फैसिलिटी हो, पर ये जो यूएसएसडी पेमेंट की फैसिलिटी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, यूएसएसडी का ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत बहुत टेक्निकली साउंड नहीं है, तो इसलिए इसका अडॉप्शन थोड़ा कम हुआ है कंट्री में। ऐसे बहुत सारे मर्चेंट नहीं है जो इस सर्विस में साइन अप हो। ऐसा हो सकता है कि शायद कहीं पे मर्चेंट हो, पर जब भी मेरी जानकारी है बहुत सारे ऐसे मर्चेंट नहीं है जहां पे यूएसएसडी के द्वारा आप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में भी सरकार को भी सोचना पड़ेगा और यूएसएसडी को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए उसको और इजी करना पड़ेगा। वैसे राहुल हम अपने ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं कि यूएसएसडी से कैसे पेमेंट किया जा सकता है, आप जरूर उसमें जानकारी ले सकते हैं। एक दर्शक विवेक और जुड़ रहे हैं हमारे साथ उड़ीसा से। विवेक जी पूछिए अपना सवाल। सर मेरा रिचार्ज और पेटीएम का दोनों अकाउंट है पहले से ही है, तो मैं चाहता हूँ कि केवाईसी कैसे मैं जमा कर सकता हूँ, और जो पेमेंट जो बैंक अकाउंट डिपॉजिट करता है उसका भी किस तरह से मैं आसानी से कर सकता हूँ? ठीक है, फ्री चार्ज का सवाल मैं राजन जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले अभिषेक आप जवाब देना चाहेंगे इसके बाद। जी, तो अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट है और पेटीएम की एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है, कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो उसके अंदर आपको प्रोफाइल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको केवाईसी ऑप्शन मिल जाएगा, और उस केवाईसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पेटीएम की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आपके घर आ जाएंगे, आपके एड्रेस पे आ जाएंगे, और वहां पे आके वो आपका आधार कार्ड, जो आपका पैन कार्ड है, वो सब चीजें डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपसे प्रूफ लेंगे, और एक बार उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लिए तो आपका केवाईसी हो जाएगा, और उसके बाद आपके पेटीएम वॉलेट पे जो लिमिट है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप 1,00,000 रुपए तक अपने पेटीएम वॉलेट में रख सकते हैं और कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यही एक सवाल था मेरे, एक दर्शक कविराज कोटनूर है फेसबुक पे, उन्होंने यही पूछा कि क्या कोई लिमिट है वॉलेट रिचार्ज की? अभिषेक जी, जहां तक पेटीएम की बात है, 1,00,000 रुपए की जो लिमिट है वो है अभी। अगर केवाईसी नहीं किया है आपने तो 20,000 रुपए तक की लिमिट है, और अगर आपने केवाईसी कर लिया है तो 1,00,000 रुपए की लिमिट है, और इस तरह से मुझे पेटीएम के बारे में पता है। बाकी फ्री चार्ज के बारे में 2 सवाल है सर गोविंद राजन साहब, क्या कोई लिमिट है, और केवाईसी के बारे में भी सवाल पूछा था, इस बारे में अगर आप जवाब देना चाहें हमारे व्यूअर्स को। तो जैसे अभिषेक जी ने कहा, वॉलेट लिमिट पहले 10,000 रुपए का था महीने का, अभी आरबीआई ने उसे 20,000 रुपए कर दिया, और ये फ्री चार्ज पे भी लागू है। जैसे कि केवाईसी का सवाल है, केवाईसी के सवाल के लिए अगर आप हमें ईमेल लिखें अपने केयर सेंटर पे या कॉल करें अपने केयर सेंटर पे, तो हम केवाईसी के लिए आपके पास किसको भेज देंगे। तीसरी बात यह है कि हमारे पास मर्चेंट केवाईसी भी ऑनलाइन है। अगर आप मर्चेंट हो या शॉपकीपर हो, और जाहिर है कि अगर आप मर्चेंट हो तो आपका लिमिट कंज्यूमर के लिमिट से ज्यादा होना चाहिए। 2 प्रकार के मर्चेंट लिमिट होते हैं, एक होता है जो 1,00,000 का जो अभिषेक जी ने बताया था आपके पास आपको, और दूसरा है लिमिटलेस, माने इससे पैसा मर्चेंट के बैंक अकाउंट से चले जाता है। ये भी आप फ्रीचार्ज ऐप में बिना किसी पेपर देके फ्रीचार्ज ऐप में अपना डॉक्यूमेंट्स का फोटो लेके उसको अपलोड करेंगे, तब उस डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करके आपको फ्रीचार्ज मर्चेंट केवाईसी भी तुरंत दे सकते हैं।
सो इससे आप ग्राहक को भी बेनिफिट है और मर्चेंट को भी बेनिफिट है, यानी दुकानदार को भी बेनिफिट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे पास कॉल कर रहे हैं, फेसबुक पे हमसे सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे सवाल आ रहे हैं, और हमने कोशिश की कि हम सारे दर्शकों के सवाल ले सकें, लेकिन टाइम की लिमिट है। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको आगे भी इस बारे में और जानकारी देते रहेंगे। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। तो फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही।